नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रामनगर से, जहां आज त्योहार का दिन है, लोहड़ी का दिन है और सभी लोग कहीं ना कहीं एक जश्न जरूर मना रहे होंगे। लेकिन वही एक बहुत ही दुखद खबर जो है वो करनाल के रामनगर से सामने आ रही है, जहां पर दो व्यक्ति जो कि वेल्डिंग का काम करने के लिए रामनगर में पहुंचे थे, लेकिन उसमें से एक की करंट लगने से जो है मौत हो जाती है। अपने आप में ही काफी दुख की खबर जरूर है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पहले हम उनसे पूरे मामले के बारे में जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी आपको मिली थी, कैसे यह हादसा? वेल्डिंग का काम कर रहा था, अभी करना चालू करना था, इसने तार खींच रहा था ऊपर से, करंट लगा, मर गया भाई। ये पाइप खींच रहा था, करंट लगा, मर गया। मुख्य दो लोग आए थे? हाँ, दो लोग आए, एक नीचे था, एक ऊपर था। एक की मौत हुई? हाँ, एक की हुई। परिवार के लोग पहुंचे हैं? हाँ, परिवार के लोग पहुंचे, ऊपर आए, ऊपर ही आए। पुलिस को जानकारी दी गई थी? हाँ, उनकी जानकारी गई है, वे आ गए वहीं, मुख्य पे आ गए वो भी। तो कहीं ना कहीं काफी दुखद खबर है। लोग, जवान लड़का है, हाँ जी, दुखद खबर तो आप पे है, जवान लड़का दुकानदार है, गई पहले भी यहाँ पर आया करते थे वे काम करने? नहीं, पहले तो दुकानदारी है ही ऐसी, जो मंजिल बुला जाना तो पड़ता ही है। हाँ, ये तो पता नहीं आज ये काम हो जाना है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर जो कि चश्मदीद मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि वेल्डिंग का काम करने के लिए, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये आप लोग देख सकते हैं, इसी जो ये वेल्डिंग का काम करने के लिए जो कि दो लोग यहाँ पर आए थे, जिनमें से एक की करंट लगने से मौत हो जाती है, इसी को तार की मदद से जो है ऊपर खींच रहे थे, और जिसके बाद, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मोटी जो बिजली की तारें हैं, हाइपरटेंशन तार जो हैं वो भी इसके ऊपर से जा रही हैं, तो अपने आप में ही खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूर बढ़ जाता है। और किस तरीके से जो वेल्डिंग करने के लिए यहाँ पर दो लोग आए थे, उनमें से एक को काफ़ी करंट जो है उन्हें लग जाता है, इसके चलते उनकी मौत हो जाती है। हालांकि परिवार के लोगों को तुरंत उसके बारे में जानकारी दी गई, पुलिस को तुरंत उसके बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हैं और शव को जो है नीचे उतारने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं काफी लोग हालांकि यहाँ पर मौजूद जरूर है, पुलिस की टीम मौजूद है, ताकि ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं उसे जरूर कंट्रोल में किया जा सके। हालांकि पुलिस की टीम ऊपर भी मौजूद है, जो कि पूरे तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो साक्ष्य है वो जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी जरूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय करनाल के रामनगर से देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ लोहड़ी का पर्व है, लोग आज जश्न में जो है अपने अपने घरों में इस पर्व को मनाएंगे, वहीं एक घर का बेटा जो है, एक घर का चिराग जो है वो कहीं ना कहीं इस दुनिया से चला गया है, करंट लगने की वजह से जो है उनकी मौत हो जाती है। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर, क्या जानकारी आपको मिली थी? हमें कुछ पता नहीं, कुछ पता लगा आसपास के लोगों से? जैसे आप देख रहे हैं सारे लोग, पता चला कि करंट लगा किसी को तो। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे ये हादसा हुआ है, क्या जानकारी? ऐसे जी, जैसे मिस्त्री था ऊपर, मिस्त्री ने ऊपर से ना ये वाला बोर्ड खींचा है, जैसे बोर्ड खींचता रह गया तब तो ठीक था, उसको ऊपर की तार का ध्यान नहीं आया, उसने जब भी बोर्ड ऊपर पहुंचा है ना, तो उसने एकदम बोर्ड को ऐसे कर दिया, तिरछा कर दिया, जैसे तिरछा हुआ तार ने उसको पकड़ लिया, और मिस्त्री का हाथ उस पर था, उसी टाइम ही आग लगी उसको, इतना भयानक था कि देखा नहीं गया। हमने तो कहा चलो लेके चलते हैं उसको, परंतु उसकी टांगों के नीचे ऐसी आग निकलनी, मुंह में सारा धुआं निकलने लग गया, फिर कोई बंदा उसके आगे आ नहीं सका डर के मारे, क्योंकि बोर्ड में भी अभी लाइट थी, फिर इसको तो हमने किस कैसे न कैसे जैसे मारा, ये बोर्ड नीचे आ गया, फिर उसके बाद तो फिर आपको पता ही है। तो जो दूसरे शख्स उनके साथ थे, वो भी एकदम परे हो गया, क्योंकि उसका हाथ नहीं था, क्योंकि वो पहले नीचे ही था ना, वो बोर्ड ऊपर ना लेके जा रहा था, ये बस पौड़ी से ना जाके उन्हें कहा चलो ऐसे निकल जाए, कहते ना जब काल खड़ा होता है सामने कुछ दिखता नहीं है, बहुत ही घटिया काम हुआ यहाँ, बस दिल दलाने वाले काम है आज भाई, जैसे देखा नहीं जा रहा था, इतना आज लोहड़ी का त्योहार और दिमाग खराब। और आपका नाम? मेरा गुलशन चावड़ा। तो आप देख सकते हैं जो आस पड़ोस की दुकान के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, उनकी भी आंखें यहाँ पर नम है, क्योंकि अपने आप में ही काफ़ी दुखद घटना जो है वो करनाल के रामनगर में आज हुई है, जहाँ पर दो लोग जो है, दो मज़दूर जो हैं
कर्मचारी जो हैं वो वेल्डिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और इस बोर्ड को आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पर तैयार था और इसको ऊपर खींच रहे थे। हालांकि पहले सीधा सीधा इसे ऊपर, जैसा कि हमें चश्मदीदों ने बताया कि इसको सीधा सीधा ऊपर लेकर जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो क्योंकि ऊपर तारे, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, काफी ज्यादा हैं और इसी में से एक तार की चपेट में जो है वो कर्मचारी आ जाता है, जिनके बाद तुरंत ही उनको जब करंट लगता है तो जैसा कि हमें सर ने भी यहाँ पर बताया कि उनकी टांगों पर जो है आग लग जाती है और उनके मुंह से धुआं निकलने लग जाता है। हालांकि लोगों द्वारा प्रयास जरूर किया गया कि उनको अस्पताल लेकर जाया जाए, लेकिन उससे पहले ही उनकी सांसें जो है वो रुक गई थी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, परिवार के लोगों को जानकारी दी गई। फिलहाल शव अभी भी ऊपर है, उनकी तस्वीरें हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो शख्स उनके साथ थे वो भी मौजूद हैं। हालांकि हम उनसे बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोगों से अपील यही करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि बोर्ड ये वाला था ना, आप जैसे इसको ले रहे हो तो बोर्ड इस साइड लग रहा था, ना कि इस दुकान पे। हैंडलूम वाला ना, ये हैंडलूम वाला इनकी छत बना रहे थे, इनकी छत बना रहे थे। आप ना इधर से मत चढ़ाइए, आप उनकी छत से ऊपर चढ़ाइए, वहाँ से ऊपर से नीचे नजदीक पड़ती है, इसी वजह से काम है, हम इधर से चढ़ा लेंगे। तो दो मिनट के बीच में जैसे ही इन्होंने ऊपर से खींचा, यानी कि ये नाई की दुकान के आगे से खींच रहे थे ये, जैसे ही इन्होंने ऊपर खींचा तो ऊपर शेड ऊपर जा चुका था पूरा ये फ्रेम, और ऊपर जाने का जब उन्होंने टेपर में किया तो ये तारों ने पकड़ लिया। ये तारों की वजह से मैडम एक्सीडेंट हुआ जी। पहले भी कभी तारों की वजह से कोई ऐसे हादसा? पहले तो कभी नहीं हुआ, पर फर्स्ट टाइम हुआ, जो भी हुआ ये कभी ऐसा हुआ। पर हमने उनको बोला था, शेड वालों को पहले बोला था हमने भी, इधर से मत चढ़ाओ, इधर से तारे नजदीक पड़ती है। कहता जी नहीं, उधर से हम पहले ऊपर चढ़ाएंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे, तो इधर से हमारे को ना नजदीक पड़ता है जी। हाँ। तो ये यानी कि उन्हीं की गलती की वजह से हुआ ये। हाँ। भी इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने टाइम बचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर लिया जी। मेरा नाम राकेश। तो ये आपने देखा जो आसपास के लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, हालांकि जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले भी जो वर्कर्स यहाँ पर आए थे उन्हें हालांकि इस बारे में कहा गया था कि आप दूसरी दुकान से बोर्ड जो है उसे चढ़ा सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको लगातार इस समय रामनगर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर त्योहार का दिन है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, और ऐसे में एक परिवार का बेटा जो है उनसे दूर हो जाता है, उन हमेशा के लिए जो है उनसे दूर चला जाता है। किसकी गलती रही, क्या कुछ लापरवाही रही, हालांकि वो बात नहीं है, लेकिन दुखद घटना ज़रूर है। लाइव तस्वीरें आप लोग रामनगर से देख सकते हैं, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, उनसे भी हम लोग आगे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ चश्मदीदों से हम लोगों ने बातचीत की, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या जानकारी मिली थी, आप यहाँ पर मौजूद थे जब हादसा हुआ? हम तो यही देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आए, कह रहे हैं ऊपर तारों से लिपट के जो है ना उनको करंट लगा है, और उसी टाइम जो है ना डेथ हो गई है। क्या जानकारी मिली थी, कितने लोग आए थे काम करने के लिए? काम के लिए दो जने थे, एक नीचे खड़ा था, मेरे को ले ऊपर था, उसी में इनके उस समय डेथ होगी, करंट लगने से तार से बोर्ड टच हुआ होगा, उससे डेथ होगी। पुलिस मौके पर पहुंची है? पुलिस भी उस टाइम पहुंच गई, थोड़ी देर में 5-7 मिनट में पहुंच गई है पुलिस। तो रामनगर थाने का ये मामला पड़ता है, और रामनगर थाने से जो पुलिस की टीम है वो इस समय मौके पर मौजूद है। शेड लगाने के लिए दो कर्मचारी जो है वो यहाँ पर आए थे, वेल्डिंग का काम करने के बाद जब बोर्ड को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था तो तार की चपेट में आने की वजह से एक कर्मचारी को करंट लग जाता है, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि जो दूसरे शख्स उनके साथ मौजूद थे उन्होंने भी जब देखा कि करंट लगा है तो जाहिर सी बात है कि वे भी थोड़ा सा पीछे हुए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जब चश्मदीदों ने जैसा कि हमें बताया कि जब उन्हें करंट लगा उनकी टांग पर आग लगी और मुँह से खून निकल धुआं निकलने लग गया था, जिसके बाद हालांकि उनके पास नज़दीक कोई नहीं गया, लेकिन जब उनको अस्पताल लेकर जाने के लिए उनके पास गए तो देखा कि उनकी सांसें उस समय नहीं चल रही थी, तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई, परिवार के लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई, दोनों फिलहाल इस समय छत पर जो शव जहां पर है वहां पर मौजूद है, और शव की तस्वीरें हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं। काफ़ी दर्दनाक हादसा ज़रूर हुआ है करनाल में, करनाल के रामनगर में। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं, आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं रामनगर इलाके में, जहाँ पर हमने आपको बताया कि एक शख्स जो है वेल्डिंग के काम के लिए आए थे और उनकी जो है करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। इस वक्त पुलिस की टीम जो है और पूरा परिवार जो है मौके पर मौजूद है और उनके शव को यहाँ से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार में बच्चे भी मौजूद हैं, परिवार के सभी लोगों का जो है रो रो का बुरा हाल है,
उनकी जो बीवी हैं यानी जो उनकी पत्नी हैं उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर ज़रूर है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार के जो शख्स हैं उनकी मौत हो गई है और इस वक्त पूरे परिवार की हालत काफ़ी बुरी है। रो रो के सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही साथ इस वक्त पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। नीचे भी सभी आसपास के जो वर्कर्स हैं, आसपास के शॉप्स के जो कर्मचारी हैं, सभी लोग बाहर रोड पर इकट्ठा हुए हुए हैं और उनका कहना यही है कि किस तरह से ये जो पूरा हादसा हुआ काफ़ी ज़्यादा दुखद ज़रूर है और देखने का भी जो है वह देख भी नहीं पा रहे थे इस सारे हादसे को, और साथ ही साथ उनकी आंखें भी पूरी तरह से नम हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी दुखद घटना ज़रूर ये सामने आई है। इस वक्त परिवार के लोग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। लोहड़ी का आज त्यौहार है कहीं ना कहीं, तो हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरह से इन शख्स को जो है, जो कि वेल्डिंग का काम करने आए थे, करंट लगने की वजह से जो है उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। सर, क्या कुछ मामला सामने आया था, क्या बताना चाहेंगे आप? मैडम जी, अभी हमारे को सूचना प्राप्त हुई कि पूरन ढाबे की छत के ऊपर एक बंदा करंट लगने के कारण मौत होगी, जिसकी सूचना पाकर मैं यहाँ मौके पहुँचा हूँ। और अमनदीप नाम का व्यक्ति है जो फ्रेम बोर्ड लगा रहा था दुकान नीचे कपड़े की दुकान के लिए, और उस जो फ्रेम बोर्ड बनाने के लिए गली की तरफ गया था, वो नंगी तार थी उस पर लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। काफ़ी झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उम्र क्या थी सर? 40 साल इसकी उम्र है। कहाँ से रहने वाला है? यही अपना रामनगर का ही रहने वाला है। हाँ, कपड़े वाली दुकान, मंटू की दुकान के बोर्ड लगा रहा था। तो इस वक्त हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई रामनगर इलाके से। पुलिस की टीम से भी हमने बातचीत करी। सर ने बताया कि किस तरह से अमनदीप नाम के जो व्यक्ति कपड़े की दुकान के ऊपर वेल्डिंग का काम करने आए थे, और उसके बाद ये जो शेड है इसको यहाँ से उठाने का प्रयास किया जा रहा था। ऊपर आप देख सकते हैं मोटी वायर्स जो हैं, बिजली की वायर्स लगी हुई हैं, वहाँ पर ये शेड भी टकराया और उसके बाद उनको करंट लगा। इनके हाथ जो हैं उन्होंने वायर्स को जो है पकड़ा हुआ था, पूरी तरह से जो है इनकी टांगें जल गई। इसके बाद जब लोगों ने उनको वहां से हटाने का प्रयास किया, वहां से निकालने का प्रयास किया, तब तक और पुलिस और हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया, इतनी देर में जो है उनकी मौके पर मौत हो गई। गले में से जो है उनके धुआं निकलने लगा। काफ़ी दुखद समाचार ज़रूर सामने आया है। सिख कम्युनिटी से जो है ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज जो है लोहड़ी का पर्व है, सिख कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाने वाला पर्व है, पर आज एक परिवार का जो है बेटा, एक परिवार का चिराग जो है वो कहीं ना कहीं बुझ गया है। 40 साल अमनदीप की उम्र जो है 40 साल बताई जा रही है, और साथ ही साथ उनके परिवार के जो बच्चे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके बच्चे भी हैं, और उनकी बीवी जो है, पूरे परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल है। क्योंकि लोहड़ी का पर्व, जहाँ पर पूरा पंजाबी जो हैं काफ़ी अच्छे से इस पर्व को मनाते हैं, सभी लोग जो हैं लोहड़ी जलाने की जो है इस पर्व को सेलिब्रेट करने की, शाम को जो है लोहड़ी का पर्व होता है, पर आज दिन में जो है ये हादसा सामने आया है। काफ़ी दुखद समाचार ज़रूर है। सभी लोग जो है, आसपास के वर्कर्स जो हैं, आसपास के दुकानों के लोग जो हैं, सभी लोग इस वक्त रोड पर मौजूद हैं। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, ताकि रोड पर भी अगर कोई जाम की स्थिति लगे उसको भी कंट्रोल में किया जा सके। आसपास के लोगों का कहना भी यही है कि बहुत दुखद समाचार ज़रूर सामने आया है। ऐसा देखने को जो है काफ़ी कम, मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से करंट लगा और उनकी बॉडी जो है पूरी तरह से अकड़ी हुई है। इस वक्त हम आपको डेड बॉडी की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। काफ़ी ज़्यादा दुखद समाचार सामने आया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई बार हम ऐसे हादसे देखते हैं कि नंगी तारों को जो है हाथ लगाने से ऐसे हादसे होते हैं, तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज का भी अगर हम बात करें तो वायर्स को ही हाथ लगाया हुआ था, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को तो यही कहना चाहते हैं कि एक तो हम लालच कर लेते हैं, जैसे बोर्ड हमने 5 फुट का 6 फुट का बढ़ा लेते हैं, भी दीवार के साथ कर लो, देखना तो उसने है ही है, जिसने भी देखना है दीवार के साथ भी देखना है, वैसे भी देख लेना है। अब हम बोर्ड को छोड़ो, अब जैसे अब ये है हमारे साथ नारंग जी, अब इस ये साथ में गली है, आप इसको बोर्ड दिखाओ एक बार, देखो हादसे तो बहुत होते हैं। हमने परसों भी इनको हाथ जोड़ा है कि भी इस ये गली है ना, यहाँ से बच्चा साइकिल पे तो एकदम आएगा, और यहाँ से जो भी कार जाएगी उसको ये दिखेगा नहीं कि गली के सड़क के ऊपर क्या आ रहा है। अभी तो कोई हादसा हुआ नहीं, कई बार हुआ है, छोटा मोटा हुआ है, जैसे आज ये देखने को मिला। मेरे हिसाब से तो उसको खुद सोचना चाहिए और ये बोर्ड हटा, वैसे तो सारे सोचे कि सारे हटाए, क्योंकि ये बोर्ड हमारी जब जान को खतरा है तो फिर क्या जरूरत है। अब ये 12 फुट मेरे घर सड़क के ऊपर है और हमने परसों इसको हाथ जोड़ा है, तो इसे कहता है जो करना कर लो, ये
इस टाइम कोई मेरे हिसाब से कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं कर रहे। जब कुछ ऐसा हादसा आता है ना, फिर दिल भी दुखता है और सोचने को मजबूर हर बंदा होता है कि देखो कितना, एक उसके घर लोहड़ी और उसका एक बच्चा जिसका जाता है ना पता, उसको लगता है दर्द, उसको आता है। हमने कितनी बार कहा है, मानता तो कोई भी नहीं, चाहे मैं हूँ जो कोई हूँ, परंतु जब ऐसे हादसे सामने आते हैं ना, फिर दिल को लगती है कि वाकई मैं गलत हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के अपनी सरकार को यही कहता हूँ, जो भी बोर्ड 5 फुट से या 4 फुट जो सरकार देती है, वहाँ तक वैसे तो हम खुद कर लेना चाहिए, नहीं तो मैं अगर फटाफट इसको भी तोड़ देना चाहिए। यहाँ बहुत ही हादसे होते हैं, कोई भी सुनने को हमारी तैयार नहीं। परसों यहाँ से कमिश्नर साहब निकले होंगे और उससे 4 दिन पहले निकले हैं, परसों आए हैं, हमारे को कहते हैं ये हटा लो। मैं कह जी हम तो बहुत ही खुश हैं, आप ये बोर्ड, जो ये बोर्ड है ना, इसको हटाओ। जब जो कारण है वो कारण तो आप देखते नहीं, अब हमारे को डंडा, चलान हो जाएगा। चलान से क्या होगा, क्या मैं 500 रुपये 1000 रुपये भर लूँगा? और इस बोर्ड हटाओ जो जो मरने का कारण है हमारे, ये कोई भी नहीं मानने को तैयार। हमारे नेता या हमारे अफसर, बस चलान काट दो। चलान काटने से क्या बनेगा, इसको हटाने से कुछ क्या? तुम्हारे भी इतने भी दम नहीं है कि 12 फुट की सड़क देखो, 12 फुट का बार, 12 फुट की दुकान, ये कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं हमारा। ये कृपा करके ये भी बोर्ड हटाया जाए, नहीं तो ये भी कोई बड़ा हादसा होने का कारण बनेगा बनेगा। तो काफी बड़ा मुद्दा जरूर सामने आया है कि अगर बोर्ड जो है, जो सरकार द्वारा लिमिट दी गई है उसी लिमिट में जो है लगने चाहिए, उससे बाहर जो है ऐसे बोर्ड्स लगते हैं, तो उसके कारण भी कई सारे हादसे देखने को मिलते हैं। इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। किस तरह से मामला आज सामने आया है, बोर्ड जो है ऊपर लगाने की वजह से जो है एक व्यक्ति को करंट लग गया है, जब शेड को जो ऊपर लेकर जाने का प्रयास किया जा रहा था। इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि शव को जो है यहाँ से लेकर जाया जाए, पोस्टमार्टम की तरफ लेकर जाया जाए शव को, और वहाँ पे आगे जो है उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, पुलिस की मौजूदगी में किया जाएगा। अपील बार बार यही रहेगी कि तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और आप सबको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने आसपास बिजली की तारें देखते हैं, अगर वो नंगी तारें हैं, तो आपको उस चीज़ से डिस्टेंस ज़रूर बना कर रखना है। और साथ ही साथ अगर कोई कर्मचारी बिजली का काम करने आया है तो उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वायरिंग के आसपास काम करते हुए जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनका ध्यान रखना है। हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरह से एक व्यक्ति जो कि वेल्डिंग का काम करने आए थे, छत के ऊपर जो है बोर्ड लगाने जा रहे थे, बोर्ड शेड जो है यहाँ से उठाते हुए ऊपर की तरफ जो मोटी वायर्स लगी हुई हैं, बिजली की वायर्स लगी हुई हैं, वहाँ पर उनको करंट लगता है और मौके पर जो है उनकी मौत हो जाती है। उनके साथ एक और व्यक्ति भी मौजूद थे, पर हालाँकि वह जो हैं उनकी जान बच चुकी है, क्योंकि उन्होंने करंट जब जो दूसरे व्यक्ति को करंट लगा तो वह एकदम अपनी जान बचाने के लिए पीछे हो गए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, और आसपास के लोग जो हैं, आसपास के चश्मदीद गवाह जो हैं, सभी लोगों का यही अपील है कि बोर्ड जो हैं उनको ध्यान से लगवाया जाए, जो प्रशासन द्वारा कहा गया उसी लिमिट में लगवाया जाए। इस वक्त आप लाइव तस्वीर में देख रहे हैं, शव को जो है छत से उतार लिया गया है, पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया जा रहा है। शव की तस्वीरें हालांकि हम आपको नहीं दिखा सकते, पूरी बॉडी जो है उन व्यक्ति की, यानी कि अमनदीप, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, पूरी बॉडी जो है अकड़ चुकी है। एक परिवार से जो है उनके बच्चों के सर से जो है एक पिता का साया जा चुका है, एक परिवार का चिराग बुझ चुका है, माता की, अमनदीप की माता जी की, अमनदीप के भाई की, और साथ ही साथ उनकी जो पत्नी है, सबका रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। अब शव को जो है पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया जाएगा, साथ ही साथ पोस्टमार्टम किया जाएगा। तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और ध्यान रखें अगर आपके आसपास बिजली के खंभे हैं, बिजली के तारें हैं, तो इससे डिस्टेंस बना के ज़रूर चलें, और सभी सेफ्टी मेजर्स को ज़रूर अपने मतलब सभी सेफ्टी मेजर ज़रूर का इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप बिजली का काम भी कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसा हादसा ना हो। और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।